क्लास सिक्स फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर सेकेंड प्लेइंग विथ नंबर्स एक्सरसाइज 2.6 वेरी इंटरेस्टेड कुछ एक्सरसाइज है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फैक्ट हैं, ऐसी बातें हैं जो मतलब बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं और बातें भी जो बोलते हैं वो भी रॉन्ग रहते हैं। तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन ही इसका नाम क्यों पड़ा और प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल क्या है, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि हम सवाल उठाए और करने लग गए, नो, पूरे डिटेल्स हम इसे समझेंगे कि एग्जैक्ट है भी क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं 2.6। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब होता है प्राइम मतलब प्राइम नंबर्स। प्राइम का मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या है? अगर आप इसे भी राइट करना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, हम यहाँ पे बोले ही दे रहे हैं। अ नंबर विच कैन डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड आल्सो वन इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। ठीक है, जो नंबर खुद से डिविजिबल होते हैं और वन से डिविजिबल होते हैं, और सेकंड हमने खुद बनाया है। ठीक है, ये सबसे फैक्ट भी रहेगा, या आप गूगल सर्च करेंगे तो फर्स्ट आपको मिलेगा, सेकंड हमने खुद डिज़ाइन किया। अ नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जिसके पास केवल दो ही फैक्टर होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो ये प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या संबंध है? अरे सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, हमको तो ऐसे लाइन खींच के सॉल्व करा देते हैं। अरे थोड़ा डीपली में तो चलिए तो समझ में आएगा फुल डिटेल। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, सम स्टूडेंट्स आर नोन दिस इज एलसीएम नॉट एलसीएम। इसे बहुत से स्टूडेंट्स एलसीएम बोलते हैं। अरे एलसीएम नहीं है भाई, यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। बहुत से स्टूडेंट्स इसे एलसीएम बोलते हैं। अरे ये गलत है, एलसीएम तो फाइंड किया जाता है, एलसीएम का कोई सैंबल थोड़ी होता है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा? जैसे ये 36 है, हमने यहाँ पे 36 ले लिया, चलिए इसे सॉल्व भी कर लेते हैं। कैसे करते हैं हम पूरे ट्रिक बताएंगे। अब 36 किससे डिविजिबल होगा? ऐसे ही आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, यहाँ पे आप अटेंड करते हैं, वो कौन सा नंबर है कौन सा नंबर है। तो पहले थोड़ा हमारी भी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप करिएगा। आप यहाँ पे कौन सा नंबर अटेंड करते हैं, सिर्फ इसका आंसर दीजिए। सॉल्व करेंगे ही, वो तो सभी को करना है। किससे डिविजिबल करते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कंटिन्यू ऐसे ही करते हैं ना, ये रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे सर यही तो करते हैं, अब आप कौन सा अलग से रूल्स बना दिए। भाई इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे आप सिर्फ प्राइम नंबर ही ले सकते हैं। अगर आपके इस लिस्ट में कोई भी डिविजुअल में अगर यहाँ पे 4 आ गया तो आज से हम पेन पकड़ना ऐसे छोड़ देंगे। 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ जाए, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स आएंगे। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। इनसे आप डिविजुअल करिए ना, इसके अलावा अब आज के बाद आप टेबल नहीं अटेंड करिएगा, इन्हीं के ही टेबल हमें अटेंड करने हैं। 2 से अगर डिविजुअल नहीं हुआ तो 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं हुआ तो 4 से नहीं करना है, 5 से करना है, फिर 5 से नहीं हुआ तो 7 से करना है, 6 से नहीं करना है, फिर 7 के बाद डायरेक्ट आप जंप कहाँ करेंगे? 11 में। ये बात याद रखिएगा। और याद रखिएगा, देखिए हम पूरे अभी जो आपके 10, 12 जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी को करने वाले हैं, और उसमें सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स आएंगे। एक जगह भी अगर प्राइम नंबर्स नहीं आए तो हमें ज़रूर करिए बोलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेस्ट डिटेल के साथ। फर्स्ट है 36, सिंबल बनाइए प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये हमारा बना दिया। अब लास्ट देखिए, सिर्फ लास्ट, लास्ट में क्या है? 6। अगर लास्ट डिजिट, यहाँ पे हम लिखते भी जा रहे हैं, लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 मीन्स इवन आ जाए तो आप बेहिचक 2 से ही डिविजिबल करेंगे। किससे डिविजिबल करेंगे? 2 से। देखिए 6 है, 2 से आप बिल्कुल यहाँ 2 लिख दीजिए। अब टेबल पढ़िए, अब टेबल ही पढ़ने का दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड कर लीजिए, लेकिन डिवाइड फिर अपने आप को ही लूज करता है,
डिवाइड, हम जानते हैं 18 आएगा, 36 आ जाएगा, आप कट करके देख लीजिएगा, ठीक है 18 आ जाएगा, तो 18 यहाँ लिख देते हैं। अरे इतना मेहनत करेंगे तो फिर हमारे पास टाइम कब रहेगा, यहीं पे करिए ना। जैसे आप टेबल पढ़ते हैं ना, 2 1 2, यहाँ 2 लिखते हैं, लिखते नहीं लिखते, देखिए ध्यान से देखिएगा। चलिए डिवाइड भी करते हैं यहीं पे, कैसे करना है, ठीक है 2 1 2, रिमाइंडर कितना है 1, तो भाई यहीं पे कर लीजिए ना डिवाइड 2, इसको देखिए अब टेबल पढ़िए 2 1 2, यहाँ पे क्या है 3, तो 3 - 2 कितना होता है 1, यह है 1 रिमाइंडर। यहाँ पे छोटा सा 1 लिख दीजिए ना ऐसे, अब आपको क्या दिखने लग गया 16, 2 8 16, सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट 8 है, ये लिस्ट आया 8 का, 2 से ही जाएगा, 2 9 18, फिर अब नहीं है भाई ये, तो ये तो 3 के टेबल में, 3 1 3, बताइए हमने क्या बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करिए, इनके अलावा कोई नंबर आया क्या, नहीं, तो आप लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3, दिस इज द फाइनल आंसर। चलिए सेकंड नंबर है 91, प्राइम फैक्टराइजेशन सिंबल करिए 91, क्लियर। अब 91 के लास्ट में क्या है 1, तो 2 से तो कभी जाएगा नहीं, 3 से, 3 का ट्रिक क्या है, ये दोनों डिजिट को ऐड कर दीजिए, 9 1 10 हो जाएगा। अब 10 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 से भी ये नहीं होगा। अब 3 के बाद किस में चेक करना है, 5 के टेबल में तो कभी नहीं आया, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए, किसके लिए 5 के लिए, 3 के लिए सम ऑफ डिजिट, और 5 के लिए क्योंकि 4 में तो चेक ही नहीं करना, 5 में लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए। 6 तो होता ही नहीं है, 6 तो पढ़ना ही नहीं है। 7 के टेबल में बिल्कुल आएगा, ठीक है, तो 7 1 7, रिमाइंडर ध्यान दीजिए यहाँ 9 है, 7 1 आपने 7 किया, तो रिमाइंडर कितना है 2, आएगा नहीं आया, वो 2 को एक छोटे से यहाँ पे लिख दीजिए, क्या दिखने लग गया 21, 7 3 21। अब 13 खुद प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर्स किसी के डिविजिबल में नहीं आते, ये देखिए प्राइम नंबर, तो 13 जो होता है वो खुद सही है, तो भाई ये तो आंसर हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 इक्वल टू 7 × 13 इज द फाइनल आंसर। अब आपके माइंड में हो अक्सर 2 फैक्टर्स हैं तो उसे प्राइम बोलते हैं, 2 ज़्यादा हों तो उसे क्या बोलेंगे, अगर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं मोर देन, अभी इसमें इसका यूज नहीं, लेकिन या हमेशा मालूम होना चाहिए कि उसे क्या बोलते हैं, उसे कंपोजिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है इसे भी माइंड रखिएगा। मतलब ये सभी नंबर्स क्या है जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, सभी के सभी कंपोजिट हैं, क्यों कंपोजिट हैं, देखिए 2 ज़्यादा है कि नहीं है भाई, 1 भी तो है साथ में, ये लास्ट में आया 1। चलिए 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लास्ट में क्या है 4, 2 से डिविजिबल होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, क्योंकि लास्ट में 4 है, अगर इवन है तो 2 से बिल्कुल जाएगा, 2 2 जा 4, नो रिमाइंडर, 2 1 जा 2। अब देखिए लास्ट में इवन नहीं है, ऑड आ गया, तो दोनों का ऐड करिए 2 + 1 3, क्या 3 के टेबल में 3 आता है, बिल्कुल आता है, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अब प्राइम फैक्टराइजेशन आप 84 इक्वल टू क्या है 2 × 2 × 3 × 7, ये क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 154 का करते हैं, 154 के यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट में क्या है 4, तो बेहिचक ये 2 से जाएगा, क्योंकि इवन है तो 2 से जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ 15 है, टेबल पढ़िए 2 7 जा 14। अब एक बात हमने बताया ही नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन के एक रूल्स होता है, आप डिवाइड जब भी करिएगा एक बार में एक ही डिजिट लीजिएगा, अगर वो रूल्स को आप फॉलो नहीं करते तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, हमने तो कहीं एक्सप्लेन नहीं किया और भूल भी गए। चलिए यहीं पे आपको बता देते हैं, आप पहले 2 का 1 में डिविजिबल करिएगा,
अगर फैक्ट रूल्स जानना है एकदम एग्जैक्ट, टू का वन में करेंगे तो क्या स्मॉलेस्ट है वो? बिल्कुल है, इसलिए तो हम टू डिजिट लिए ना, लेकिन नीचे तो जवाब देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जीरो का यूज़ करते हैं। अब आप बोलेंगे सर ये जीरो कहाँ से आए? अगर आपको रियलिटी जानना है प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही रूल्स है। अगर आप दो डिजिट लेते हैं तो नीचे आपको जवाब देना पड़ेगा, मतलब जीरो लगाना ही पड़ेगा उस जगह में। हम इसे ज़रूर इग्नोर कर देते हैं लेकिन ये रियल है। और फिर आप चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं करके, अब आपके इसमें है या नहीं, लेकिन हमें अब हम इसकी बातें बोलते हैं ना, बात छेड़े हैं तो करना तो पड़ेगा। तो आपके सामने एक पेज ले लेते हैं अलग से। हाँ ये देखिए, मान लीजिए हमने दे दिया 216-18 कुछ भी लिख देते हैं। हाँ चलिए इसको करिए, 2 2 1 2। अब आप बोल देते हैं 2 9 18, अभी गलत है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का रूल्स क्या होता है कि ये जो नंबर्स होता है इसका अगर हम इसमें इंटू करें तो ये आना चाहिए। देखिए कैसे हम 8 का करते हैं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, 2 4 8, ऐसा करते हैं ना, तो 4 का 2 में इंटू करिए 8 आया, वैसे ही इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये आना चाहिए ना। तो 19 2 2 जा कितना होता, 38 होता है। क्या 38 लिखा है क्या? नहीं ना, तो रॉन्ग हुए कि नहीं हुए? तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने लापरवाहियाँ की। कैसे? हमने आपसे पहले ही बताया था कि एक बार में आप एक ही नंबर अटेंड करेंगे, 2 1 2। अब देखिए 1 है तो 2 को 1 से करना चाहिए, तो आप बोलिए ना अक्सर स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट के लिए किसका यूज़ करते हैं? 0। अब आप यहाँ पे कर सकते हैं 2 9 18। अब आप इन टू करके देख लीजिए आ जाएगा। तो ये बातें याद रखिएगा, क्यों 0 लगा प्रूफ भी कर दिए। अब 2 2 4, आगे चलते हैं, लास्ट में 2 ही है। अभी 0 है कोई काम का नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों लगा है अब आपको समझ में आ गया होगा। 2 3 6, रिमाइंडर कितना हुआ 1, ये क्या दिखने लग गया 12। 3 4 12, अभी भी लास्ट में 4 है, 2 से ही जाएगा। 2 1 2, रिमाइंडर 1 क्योंकि यहाँ 3 है। 2 7 14, और ये आपका 17 क्योंकि 17 प्राइम नंबर है। ये देखिए, और प्राइम नंबर्स को जैसा है वैसे ही हम लिख देते हैं। वो माफ़ कीजिएगा, ये तो रॉन्ग हो गया। रॉन्ग होने की वजह क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे थे तो यहाँ पे मिस्टेक कर दिया। क्यों? देखिएगा 154 है ना, अरे 154, चलिए यहाँ पे कर देते हैं 154। एक बार और देख लेते हैं, लास्ट में क्या 4, 2 से ही जाएगा। 2 7 14, रिमाइंडर 1, अब यहाँ 14 होना चाहिए ना, ठीक है, तो 2 7 14 7 ही है। अब यहाँ 77 है और हमने यहाँ 72 लिखे हैं, इसलिए रॉन्ग हो गया। अब 7 से ही जाएगा, 7 1 7 1 जा, अब 11 से ही जाएगा, 11 1 जा, यानी 154 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बना, 2 × 7 × 11। नाउ फिफ्थ नंबर 385। चलिए लास्ट में क्या है 5, तो श्योर है 5 से ही जाएगा, क्योंकि भाई 5 लास्ट में है, तो एक तो 3 से जाएगा, या तो फिर 5 से। अब चलिए चेक भी कर ले 3 से जाएगा या नहीं जाएगा, तो 8 5 13 ऐड करिए, और 13 3 16, तो 16 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं, तो नहीं आता, 3 से नहीं जाएगा। अब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से तो ज़रूर जाएगा। 5 7 जा 35, और यहाँ लिखा क्या है 38, तो 38 - 35 3, छोटा सा यहाँ 3 लिख दीजिए। अब क्या दिखने लग गया है 35, 5 7 जा 35, फिर से वही सेम आ गया, 7 11 जा फिर 11। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप 385 = 5 × 7 × 11, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 385। चलिए 324, लास्ट इवन नंबर 2 से ही जाएगा, 2 1 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 12 क्योंकि 12 दिखने लग गया, 2 2 4, लास्ट अभी भी इवन है 2 से ही जाएगा, 2 8 16, 2 1 2।
लास्ट में वन, थोड़ा सा चेक कर लीजिए थ्री से, एट प्लस वन नाइन, नाइन थ्री के टेबल में आता है, बिल्कुल ना आता है, थ्री से जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, रिमाइंडर टू, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, सेवन प्लस टू नाइन, नाइन थ्री के टेबल में आता है, हाँ थ्री से ही जाएगा, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन। अब देखिए फिर से मिस्टेक किए ना, हमने टू को चेक ही नहीं किया, टू स्मॉलेस्ट है ना, एक जीरो ले लीजिए, अगर ऐसा करते हैं तो आपसे मिस्टेक कभी नहीं होगा, वो नाइन ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप जीरो लिख दोगे तो गलत है। फिर थ्री थ्री जा नाइन, फिर थ्री वन जा थ्री, ये आपका हुआ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ थ्री टू फोर, टू टू टाइम्स, थ्री फोर टाइम्स, ये आपका आंसर है। नाउ सेवन नंबर 289। अब 289 आपको टेबल में मिलेगा ही नहीं जनरली इतनी आसानी से। अब क्यों, अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम ट्रिक भी देखेंगे, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं प्लेइंग विथ नंबर्स, तो ये जो 289 है ये स्क्वायर रूट है। अभी आप इसको आगे पढ़ेंगे एट क्लास में, सेवन्थ क्लास में शायद आई थिंक होगा या नहीं होगा, नहीं पता, एट में तो कन्फर्म है, जिसको बोलते हैं स्क्वायर स्क्वायर रूट। मतलब जैसे हम बोलते हैं वन का इंटू वन में करिए, टू का टू में, थ्री का थ्री में, फोर का फोर में, ऐसे, तो आप 17 का 17 में करिएगा, ये 289 17 का स्क्वायर रूट है। 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 17, मतलब 17, ये देखिए ये लिखा है, अब ये 17 के ही टेबल में आएगा क्योंकि प्राइम नंबर ही आएगा। देखिए कैसे हम प्रूफ भी कर देते हैं, 17 टू जा 34 तो वन जा में जाएगा, नो डाउट। अब यहाँ बचा आपका 11, 11 बचा ना, यहाँ 28 है, आपने 17 वन जा 17 किया तो 17 माइनस करिए, 8 माइनस 7 वन, 2 माइनस 1 वन, ये 11 लिखा हुआ है, यहाँ छोटा सा 11 लिख दीजिए ना, तो क्या दिखने लग गया, 119, 17 7 जा 119, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 289 इज इक्वल टू 17 इंटू 17। चलिए नेक्स्ट है, 289 तो हो चुका है ना, एट नंबर है 1221, तो 1221 को देखते हैं भाई, लास्ट में इवन है तो टू से तो जाएगा नहीं, तो टू टू वन प्लस टू थ्री, थ्री टू फाइव वन सिक्स, तो सिक्स थ्री के डिविजन में है, हाँ तो थ्री से जरूर जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व, अब ये ट्वेल्व हो चुका है, यहीं पे देखिए मिस्टेक होता, यही तो है इम्पॉर्टेंट, थ्री फोर जा कर दिए। अब देखिए नेक्स्ट आपका थ्री से स्मॉलेस्ट है, तो जीरो कौन करेगा, आ गया ना वही चीज़, और आप क्या करते, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन और पूरा ख़राब हो जाता। देखिए थ्री फोर जा, आप चाहें तो यहाँ भी जीरो एक लगेगा, क्योंकि थ्री को पहले वन से करना था ना, हमने जीरो लगाया नहीं था, अब आप टू डिजिट ले सकते हैं, तो थ्री फोर जा ट्वेल्व, अब ये टू तो स्मॉलेस्ट है थ्री से, तो जीरो लगाएंगे, फिर थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, अब आ गया आपका 407 आ गया। अब क्या करें, ये भी एक डाउट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 4 11, अगर 11 आ गया तो 11 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल, तो 11 से देखते हैं, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 7, क्योंकि 40 है, अब 40 से 33 माइनस करेंगे तो 7 आएगा ना, तो इस 7, तो 7 यहाँ स्मॉलेस्ट लिख दीजिए, तो क्या दिखने लग गया, 77, 11 7 जा 77, अब 37 प्राइम नंबर है भाई, इसके लिए तो हाथ जोड़ लेते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर खुद से ही कटता है, ये आपका हुआ 37, 37 वन जा 37, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1221 इक्वल टू 3 इंटू 11 इंटू 37, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है 9 1260, लास्ट में 0, 2 से जाएगा, 2 6 जा 3 जा 0, 2 3 जा 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 3 के टेबल में बिल्कुल जाएगा। देखिए यहीं पे फिर मिस्टेक होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 1 जा 3, ये स्मॉलेस्ट आया, 0 लगाइए, 3 5 जा 15, 5 प्लस 1 6, 3 से ही जाएगा, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर, 3 5 जा 15,
अब आ जाइए फाइव, फाइव सेवन जा थर्टी, फाइव सेवन बन जा सेवन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ वन टू सिक्स जीरो, टू टू टाइम्स, थ्री टू टाइम्स, फाइव वन टाइम्स एंड सेवन आल्सो वन टाइम्स। नाउ टेंथ नंबर, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन 8790, लास्ट में जीरो, टू से डिविजल होगा, टू फोर जा एट, नो रिमाइंडर, टू थ्री जा सिक्स, वन रिमाइंडर, टू नाइन जा एटीन, वन रिमाइंडर, टू फाइव जा टेन। क्लियर, इतना तो आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं फाइव आ गया, तो फाइव दो से ही जाएगा, ये तो थ्री से या तो फाइव से, तो चेक करें, नाइन फाइव फोर्टीन, थ्री सेवनटीन, सेवनटीन फोर ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन है तो थ्री के टेबल में तो जाता है, थ्री वन जा थ्री, वन रिमाइंडर, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थर्टीन है यहाँ, वन रिमाइंडर, थ्री सिक्स जा एटीन, वन रिमाइंडर, थ्री फाइव जा फिफ्टीन। अब फाइव है, फिर से चेक करते हैं, सिक्स फाइव इलेवन, इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन, वन सिक्सटीन। अब सिक्सटीन थ्री के टेबल में नहीं जाता, नहीं जाता तो यहाँ थ्री क्यों लिखे हैं, फाइव लिखना चाहिए। फाइव टू जा टेन, रिमाइंडर यहाँ फोर्टीन है तो फोर रिमाइंडर होगा ना, तो ये छोटा सा फोर लिख दीजिए। फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव, अभी फोर्टी सिक्स लिखा है, एक छोटा सा यहाँ पे वन लिख दीजिए, वन बचा ना। फाइव थ्री जा फिफ्टीन, अरे टू नाइन्टी थ्री आ गया, अरे ये प्राइम नंबर होता है, टू नाइन्टी थ्री, दिस इज़ अ प्राइम नंबर, मत चेक करिएगा किसी से, नाइन थ्री ट्वेल्व टू फोर्टीन, नो दिस इज कॉल्ड प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर कभी भी किसी से नहीं कटते, खुद से कटते हैं या तो वन से, तो मतलब 293 आप यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8790 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 293, ये आंसर है। नाउ इलेवेंथ नंबर 660, तो 660 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करते हैं, लास्ट में जीरो है तो टू से ही जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, थ्री जा जीरो, लास्ट में अभी भी जीरो, टू से ही करिए, टू वन जा टू, वन रिमाइंडर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, थर्टीन था तो वन रिमाइंडर, टू फाइव जा टेन, लास्ट में क्या फाइव, थ्री से एक बार चेक कर लें, सिक्स फाइव इलेवन वन ट्वेल्व, बिल्कुल थ्री से जाएगा, थ्री फाइव जब फिफ्टीन, यहाँ सिक्सटीन है, वन रिमाइंडर, जीरो चाहें तो लगा सकते हैं आप, नो डाउट, थ्री फाइव जब फिफ्टीन, अब फाइव से जाएगा, फिफ्टी फाइव है, फाइव इलेवन जा और इलेवन वन जा इलेवन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 660 है टू टू टाइम्स, थ्री वन टाइम्स, फाइव वन टाइम्स एंड इलेवन आल्सो वन टाइम्स। चलिए ट्वेल्व नंबर देखते हैं, 1771, लास्ट में इवन, टू से तो पॉसिबल ही नहीं है, थ्री सेवन वन एट, एट सेवन फिफ्टीन, वन सिक्सटीन, तो सिक्सटीन उसके थ्री के टेबल में तो आता नहीं है, तो जनरली हम इसको सेवन से करते हैं, फाइव के में तो होगा नहीं, सेवन, सेवन से ही जाएगा, सेवन टू जा फोर्टीन, फोर्टीन यहाँ पे थ्री लिख लीजिए, सेवन फाइव जा थर्टी फाइव, टू रिमाइंडर, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ये हो गया। अब फाइव प्लस थ्री एट, एट टू टेन, तो इससे अगर हम इलेवन, क्योंकि और किसी से तो जाएगा नहीं है, इलेवन से ही जाएगा, क्योंकि इलेवन भी आपके, टेन भी आपके थ्री के टेबल में नहीं है, तो फाइव हो नहीं रहा, सेवन के भी टेबल में नहीं जा रहा, एट, तो ये जाएगा आपके इलेवन, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू, थ्री रिमाइंडर, इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री। अब ट्वेंटी थ्री आल्सो प्राइम नंबर, अभी हमने राइट भी किया था, ये भी आपका क्या है, प्राइम नंबर, ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ये प्राइम नंबर है, तो 23 खुद के टेबल में ही आता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1771 इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 23। चलिए अब लास्ट है आपके एक्सरसाइज का, 2520, लास्ट में जीरो है तो टू से तो जरूर जाएगा, वन जा टू, टू जा फोर, वन रिमाइंडर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, जीरो,
टू से वंस अगेन, टू सिक्स जा टू थ्री जा जीरो, टू थ्री जा सिक्स, टू वन जा टू, वन रिमाइंडर, टू फाइव जा टेन, लास्ट में फाइव है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए, फाइव प्लस वन सिक्स थ्री नाइन, तो थ्री से जरूर जाएगा, थ्री वन जा थ्री, अगला क्या है, वन है जीरो, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव प्लस वन सिक्स, थ्री के टेबल में जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, चाहे तो जीरो भी लिख सकते हैं आगे, वन रिमाइंडर, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थर्टी फाइव, फाइव सेवन जा थर्टी फाइव एंड सेवन, सो प्राइम फैक्टराइजेशन, टू फाइव टू जीरो इक्वल टू टू थ्री टाइम्स, थ्री टू टाइम्स, फाइव वन टाइम्स एंड सेवन आल्सो वन टाइम्स, सो योर एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड। क्लियर? तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू, हैव नाइस डे।